हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू व्लॉग वंस अगेन। कैसे हैं आप? तो आज कुछ बात करेंगे काम की, खाने की बात हो गई, फैमिली की बात हो गई इस चैनल पे। अब आते हैं मेन मुद्दे पे, पैसे पे। यस दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि ऑनलाइन आप कैसे पैसे कमा सकते हैं। जिन तरीकों की मैं बात करूंगा वो टेस्टेड तरीके हैं और जेन्युइन तरीके हैं, जहाँ से आप अपने लिए कुछ ना कुछ मेहनत करके पैसे कमा सकते हैं। तो बेसिकली मनी अर्निंग को वी कैन डिवाइड इन टू कैटेगरीज। दो तरह की कैटेगरीज हैं ऑनलाइन पैसे कमाने के लिए। एक तो है बिजनेस। तो बिजनेस में दोनों की बात मैं करूँगा, तो आज हम बिज़नेस की बात नहीं करेंगे। बिजनेस में आता है ई कॉमर्स, ऑनलाइन सेलिंग एंड ऑल दैट। दैट इज़ वेरी गुड ऑप्शन। उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, वो इस सीरीज़ के नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। आज हम जो लोग ऑनलाइन पैसा कमाना चाहते हैं लेकिन बिज़नेस नहीं करना चाहते, तो उनके लिए आज का फर्स्ट वीडियो इसलिए है। उसके बाद मैं जो उसके साथ जो इसी सीरीज़ का दूसरा वीडियो आएगा उसमें बिज़नेस की बात करूँगा। तो बात करते हैं ऑनलाइन, हाउ टू अर्न ऑनलाइन विदाउट बिजनेस। मतलब बिजनेस नहीं करना आपने, तो करना क्या है आपने? कोई भी, इवन इफ अगर आप स्टूडेंट हैं, ग्रेजुएट हैं, स्टूडेंट में मेरा आता है कि ये नहीं कि छोटे स्टूडेंट्स, प्लस वन प्लस टू जिनको इंग्लिश का थोड़ा टाइपिंग का नॉलेज है, क्योंकि आजकल कंप्यूटर सबको आता है। तो क्योंकि जो जॉब्स जो बताने वाला हूँ इसी से रिलेटेड है, टाइपिंग वर्क जो आप कर सकते हैं। तो काफ़ी जॉब्स हैं बाहर, इंडिया में भी काफ़ी हैं, पर इंडिया में आपको पेमेंट अच्छी नहीं मिलेगी। तो जो बाहर की जॉब्स हैं उसकी मैं एक आपको लिंक बताऊंगा साइट का, तो वो टेस्टेड साइट है। और इसके अलावा एक और दो तीन चीज़ें मैं बताऊंगा आपको जो आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण और काफ़ी फ्रूटफुल रहेंगी अगर आप उसमें जेन्युइनली काम करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपको कंप्यूटर्स का नॉलेज थोड़ा बहुत है तो स्टार्ट इसी से करते हैं, बेसिक प्लस टू लेवल पे। इसमें आपको कोई स्पेशल कोर्स नहीं चाहिए, सिर्फ नॉलेज, टाइपिंग थोड़ी बहुत आनी चाहिए और थोड़ा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और पावर पॉइंट और एक्सेल ना भी हो तो बेसिकली कोर्स, सिर्फ आपको अगर वर्ड पर टाइपिंग करनी आती है और थोड़ा इंग्लिश का नॉलेज है तो ऐसी जॉब्स आपको मिल सकती हैं। तो कहाँ पर मिलेंगी वह मैं वीडियो को आगे देखिए उसमें बताता हूँ। तो अगर आपको टाइपिंग आती है, बेसिक नॉलेज है इंग्लिश का, तो यू कैन अर्न वेरी इजीली ऑन दैट साइट। नंबर टू, अगर आप कोई कंप्यूटर इंजीनियर हैं तब तो बहुत बढ़िया, क्योंकि कंप्यूटर इंजीनियरिंग के जॉब्स जो फ्रीलेंसिंग जॉब्स हैं वो भी अवेलेबल होती हैं ऑनलाइन। तो साथ साथ जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, दिस इज़ फॉर यू। यू कैन ऑल्सो अर्न, बिकॉज कुछ तरह के प्रोफेशनल प्रोजेक्ट्स जैसे आपको मिलते हैं अपने कॉलेज में, कुछ डिज़ाइनिंग के लिए, या अगर कोई कंप्यूटर इंजीनियरिंग का है तो कोई सॉफ्टवेयर का आपको थोड़ा बहुत असाइनमेंट मिलती है, तो वैसे कई जॉब्स आपको मिल जाएंगी ऑनलाइन उसी साइट पर जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। ये सब कुछ एक ही साइट पर मिलेगा, उसका मैं नाम बताऊंगा आफ्टर वीडियो के कंक्लूजन पार्ट में, और थोड़ा उसके बारे में बताऊंगा भी कैसे आपको करना है। अब नंबर थ्री कैटेगरी आ जाती है वेब डिज़ाइनर्स, वो भी कंप्यूटर से रिलेटेड। वेब डिज़ाइनिंग का बहुत काम है, क्योंकि जो बाहर के जो लोग हैं उनको वहाँ पर वेब डिज़ाइनिंग के लिए काफ़ी कॉस्टली पड़ता है, तो वो मोस्टली एशियन कंट्रीज़ और मोस्ट प्रॉबेबली ये अपना इंडिया से लोगों को लेते हैं। तो वेब डिज़ाइनर्स यू कैन ऑल्सो अर्न फ्रॉम दैट साइट इन वेरी गुड अमाउंट। और नंबर फोर आता है रिज्यूम, जो टाइपिंग वर्क में मैं आपको कैटेगरीज बताता हूँ उसमें आपको क्या क्या करने को मिलेगा अगर आपको टाइपिंग आती है। तो सबसे पहले तो कई बार उनको सिर्फ कॉपी टाइपिंग, कॉपी एंड टाइप, इस तरह की जॉब्स आपको मिल सकती हैं। इसमें क्या करना है, आपको कुछ डाटा दे दिया जाएगा, उसको अपने कॉपी करना है और उसमें टाइप करना है, दैट्स इट।
और कुछ इसी कैटेगरी में अगर आप साइंस से रिलेटेड हैं तो थोड़ा साइंटिफिक, कुछ वहाँ पर उनको रिक्वायरमेंट होती है साइंटिफिक आर्टिकल्स की, तो वो आप लिख सकते हैं। और उसके अलावा एक और चीज़ है उसमें, रिज्यूम राइटिंग का भी बहुत बार, क्योंकि जो फॉरनर्स हैं उनको रिज्यूम में उनको चाहिए, मतलब दे हैव लॉट ऑफ वर्क बट दे डोंट हैव गुड पीपल टू डू दैट, गुड एंड इकोनॉमिकल पीपल टू डू दैट। सो इसी सर्च में वो इन्हीं साइट्स पर आते हैं और इन साइट्स पर आपको काम मिल सकता है। कुछ लोग अपने, इवन जो काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, अपने फेसबुक पेजेस को मैनेज करने के लिए भी आपको कहते हैं, उसके लिए आपको फिक्स पेमेंट मिलती है। तो उसमें आपको करना क्या, कुछ उनके जो पोस्ट आती हैं डेली डालनी है फेसबुक पे, जैसे आपने सबने देखे होंगे एक्ट्रेस के जैसे होते हैं, जैसे यहाँ एक्ट्रेस मैनेज करवाते हैं इंडियन से, वैसे बाहर में कोई ऑफिशियल पेज भी है तो वो भी जैसे एशियन लोगों से, फॉरनर से वो मैनेज करवाते हैं। तो इस तरह से काफ़ी जॉब्स आपको मिल जाएंगी। अब बताता हूँ आपको साइट का नाम, फ्रेंड्स साइट का नाम है freelancer.com। ये साइट का नाम है, इसके ऊपर आप जाइए, इसमें फ्री में मेंबर बनिए, और मेंबर बनने के बाद आपको फ्री, इसका एक फ्री अकाउंट मिलता है आपको, फ्री अकाउंट में आपको कुछ भी पेमेंट नहीं करनी है। तो उसमें इसके मेंबर बनके जस्ट आपको 6-7 to 8 बिड्स मिलती हैं। बिड्स का मतलब है कि आप अपने मतलब का काम उस पहले सर्च कीजिए, जो भी आपको पहले प्रोफाइल बनाइए सबसे पहले वहाँ जाकर, लॉग अपना सबसे पहले तो रजिस्टर कीजिए, रजिस्टर करने के बाद अपनी प्रोफाइल बनाइए, प्रोफाइल में आपने जो आप काम, अगर आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं या इंजीनियर हैं उससे रिलेटेड काम लेना चाहते हैं तो उसमें आप अपना स्पेशलाइजेशन बताइए। अगर आप राइटिंग या ऐसे कुछ क्लरिकल वर्क करने में, टाइपिंग वर्क करने में इंटरेस्टेड हैं तो वो बताइए। तो प्रोफाइल को अपने आप आपको डिफाइन करना पड़ेगा। वो करने के बाद आपकी प्रोफाइल जब तैयार हो जाएगी, वहाँ से अप्रूव हो जाएगी, आपको एक ईमेल आएगा अप्रूवल के लिए, वो सब आपको ऑथेंटिकेट करवा के जब सब अप्रूव हो जाएगा तब आपके पास फ्री वाले अकाउंट में 9 बिड्स आएंगी। 9 बिड्स का मतलब है आपके पास 9 चांस होंगे एक महीने के अंदर अपनी प्रपोजल को, डिफरेंट वर्क्स के अंदर अपनी प्रपोजल्स को देने के लिए। इनका मैकेनिज्म क्या है, बेसिकली बहुत सारे फ्रीलांसर्स से आप रजिस्टर होंगे तो आपके अलावा काफ़ी लोग पहले से उसमें रजिस्टर्ड हैं, तो किसी भी कैटेगरी में जब आप जाते हैं तो जो काम देने वाले हैं वो अपना रिक्वायरमेंट बता देते हैं और उसमें एक टेंटेटिव रेट बता दिया जाता है डॉलर्स में कि इतने पैसे इस काम के मिलेंगे। तो उसके अगेंस्ट आपको जो बिड्स मैं बता रहा था, 9 बिड्स आपको मिलेंगी, उसमें से 9 जगह आप अप्लाई कर सकते हैं एक तरह से, क्योंकि एप्लीकेशन वे है टू अप्लाई फॉर अ जॉब, जो टेम्परेरी जॉब होगी, तो आपको 9 एप्लीकेशंस के लिए आपको चांस मिलेगा कि आप 9 जगह पर अपनी जो है अप्लाई कर सकते हैं कि हाँ ये वाला काम मैं कर सकता हूँ। इस तरह के आप 9 काम अपने इंटरेस्ट के चुन सकते हैं और 9 कामों में आपने करना क्या है, बिड का मतलब ये है कि आपने उस जो भी आपको काम पसंद आया उस पे क्लिक करके उसमें वहाँ लिखा होता है बिड प्रपोजल, उसमें आपको अपनी प्रपोजल देनी है कि ये काम मैं कर सकता हूँ। उसमें कुछ शॉर्ट में बताना होता है कि मैं बस ये एक्सपीरियंस है, ये क्वालिफिकेशन है, आई कैन डू इट वेरी इजीली, और उसमें आपको अपना रेट बताना है कि मैं एक घंटे में इतने पैसे चार्ज करूँगा, दैट इज़ ऑल्सो इन द डॉलर्स। तो ये जब आप उसमें डाल देंगे तो वो उनका एक टाइम होता है हर एक बिड का खुलने का, कि जैसे आपने एक से 2 हफ्ते तक चलती है, फिर 2 हफ्ते बाद वो जो जिसने काम देना है वो उसको जो भी प्रपोजल जितने भी बिडर्स ने की होगी प्रपोजल जो उसको अच्छी लगेगी उसको वो सिलेक्ट कर लेता है, आगे से बातचीत इंट्रैक्शन शुरू हो जाता है और काम मिल जाता है। तो ये तो है द वे आपको किस तरह से प्रोसेस करता है काम, किस तरह से काम आता है। तो आज ही जाइए freelancer.com पर, सबसे पहले रजिस्टर कीजिए, फिर अपना फ़ोन को ऑथेंटिक मतलब सारी वेरिफिकेशंस करवा लीजिए, अपनी प्रोफाइल बना लीजिए, और इसके बाद किस तरह से आपको काम मिल पाए कि काफ़ी आप, क्योंकि वहाँ यहाँ पर भी कंपटीशन बहुत है, तो यहाँ पर आपको काम कैसे लेना है, कैसे आपको कॉम्पिटिटिव बनना है, किस तरह से आप, क्योंकि बहुत सारे बिडर्स वहाँ पर हैं, नए बिडर्स के लिए थोड़ी डिफ़िकल्टी स्टार्टिंग में आती है, तो
तो वो कैसे आप पहले रजिस्टर कीजिए और अपनी प्रोफाइल बनाइए और बिडिंग ट्राई कीजिए। इसके बाद मैं नेक्स्ट सीरीज़ के वीडियो में बताऊंगा कि क्या क्या आपको करना होगा अपनी प्रोफाइल को कॉम्पिटेटिव बनाने के लिए और ऑनलाइन काम लेने के लिए। इस से लिंक्ड कोई भी आपका क्वेश्चन आपके दिमाग में हो तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि इस सीरीज़ के वीडियोस को अगर आप हमारे मेरा चैनल सब्सक्राइब करेंगे तभी आपको पता लग पाएगा कि आगे नेक्स्ट स्टेप क्या है, कैसे इसमें आगे जाना है। तो ये तो साइट होगी बात फ्रीलांसर की। इसके अलावा एक और साइट है, वो सिर्फ साइंस स्टूडेंट्स के को फोकस करती है। तो आज के वीडियो में बस मैं इतना बताऊंगा। इसी सीरीज़ में नेक्स्ट जब सीरीज़ के वीडियोज आएंगे तो धीरे धीरे आपको मैं और गाइड करता जाऊंगा। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए। यो।